नमस्कार दोस्तों, सीखो सरल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय और आज का जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है वो तो आप अपलोड होने से पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये सॉन्ग आपकी वोटिंग पर ही बनाने जा रहा हूं। दरअसल आप लोगों की कमरिया सॉन्ग के ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मगर बहुत से लोगों ने ये नहीं बताया था कि कमरिया स्त्री या फिर कमरिया मित्रों। तो इस पर मैंने आप लोगों की वोटिंग करवाई थी, जिसमें आप लोगों ने कमरिया मित्रों के लिए ज़्यादा वोट किए थे। तो थैंक यू सो मच वोट करने के लिए। तो चलिए सीख लेते हैं आपका फरमाइशी गाना कमरिया फ्रॉम मित्रों। और जिन लोगों ने कमरिया फ्रॉम स्त्री के लिए वोट किया था वो लोग भी निराश ना हो, उनकी भी मैं रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाने को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के जी से। तो गाने के स्टार्टिंग में जो म्यूज़िक प्ले होता है पहले उसको सीख लेते हैं। पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वो म्यूज़िक वाला पार्ट, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ लाइन वाइज लाइन बताऊँगा। तो सिर्फ चार लाइनें का ही म्यूजिक है। तो सबसे पहले पहली लाइन को समझ लेते हैं। पहली लाइन है, सिर्फ इतना समझ लेते हैं पहले। तो पहले हम इसको स्लो देखेंगे सिंगल फिंगर के साथ। नोट्स देख लीजिए, जी बी बी सी, सी जो है ये हायर ऑक्टेव का है। इसके बाद बी ए, इसके बाद अगली लाइन है, इसको भी स्लो देख लीजिए। नोट्स जी बी बी बी, तीन बार बी। इसके बाद फिर हायर ऑक्टेव का सी, इसके बाद फिर बी ए। तो इन दोनों लाइनों को किस तरह से प्ले करेंगे? इस तरीके से। और इन लाइनों को दो बार प्ले करना है। दो बार प्ले करने के बाद फिर लाइन आती है, इसको भी स्लो देख लीजिए। नोट्स देख लीजिए, ए ए ए ए, फोर टाइम ए। इसके बाद बी सी बी, सी जो है हायर ऑक्टेव का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ए ए, दो बार ए। इसके बाद जी जी, दो बार जी। इसके बाद ई, इसके बाद जी। अब इसके बाद अगली लाइन है, इसको भी स्लो देख लीजिए। अब एक बार चारों लाइनों को देख लेते हैं। पहली लाइन हमने सीखी थी, इसके बाद सीखी थी, इसके बाद और चौथी। तो सारी लाइनों को कंटिन्यू कैसे प्ले करेंगे एक बार देख लीजिए फिर से। इस तरीके से। और इन चारों लाइनों को हमें दोबारा प्ले करना है। तो चलिए अब गाने पर आ जाते हैं। गाने की कुछ लाइनें हैं कंटिन्यू प्ले होती हैं। जो कंटिन्यू प्ले होती हैं वो लाइनें हैं, छमा छम नाच आछे, ढमाढम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा, ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियाँ, जाने सारा जहाँ। तो ये सारी की सारी लाइनें कंटिन्यू प्ले होती हैं। तो पहले तो मैं सारी लाइन आपको कंटिन्यू प्ले करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्ले होंगी, उसके बाद हर लाइन को स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ आपको बताता चलूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये सारी की सारी लाइनें। इस तरीके से आपको प्ले करनी है। तो चलिए सबसे पहली लाइन समझ लेते हैं। पहली लाइन है, छमा छम नाच आछे। स्लो देखिए सिंगल फिंगर से। नोटेशन देख लीजिए, क्षमा के लिए बी बी, फिर क्षम के लिए बी, फिर नाच के लिए बी
सी, फिर आछे के लिए सी डी। अब इसके बाद अगली लाइन है ढमाढम ढोल बाजे। आपने ध्यान दिया ये लाइन बिल्कुल वैसे ही प्ले हुई है जैसे हमने इससे पहले प्ले करी थी चमचम नाच आछे, बिल्कुल सेम लाइन है, सेम नोटेशन है। फिर भी आप इसके नोट्स देख लीजिए, ढमा के लिए बी भी और ढम के लिए बी और ढोल के लिए बी सी और बाजे के लिए सी डी, ढमाढम ढोल बाजे। अब इसके बाद है नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा, स्लो देख लीजिए इसको। नोट्स देख लीजिए, नॉन के लिए बी, स्टॉप के लिए बी, हल्ला के लिए बी सी और मचेगा के लिए सी डी सी। सी जब आप प्ले करेंगे लास्ट वाला नोट तो आपको थोड़ी देर तक फिंगर को रखना पड़ेगा इस तरीके से। इसके बाद लाइन है ओए नाचो सारे, स्लो देख लीजिए इस तरीके से। तो इन चारों लाइन को मैं एक बार कंटिन्यू आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। चमचम नाच आछे, ढमाढम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा, ओए नाचो सारे। इस तरीके से आपको प्ले करनी है। अब इसके बाद अगली लाइन है अपनी फेमस है रात वाली यारियां, स्लो देख लीजिए। नोट्स देख लीजिए, अपनी के लिए ई ई ई। अब जो मैं नोट लगा रहा हूँ वो सारे हायर ऑक्टेव के नोट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फेमस, फेमस के लिए ई जी एफ शार्प। इसके बाद है के लिए ई। इसके बाद है रात, रात के लिए डी ई। इसके बाद है वाली, वाली के लिए डी सी। इसके बाद है यारियाँ, यारियाँ के लिए डी सी बी। बी जो है ये इकलौता नोट है जो मिडिल ऑक्टिव का है, बाकी सारे के सारे नोट हायर ऑक्टिव के लगे। अब इसके बाद है जाने सारा जहां, स्लो देख लीजिए। नोट्स देख लीजिए, जाने के लिए ई ई। इसके बाद है सारा, सारा के लिए ई जी एफ शार। इसके बाद जहां, जहां के लिए ई डी। जब हम जहां प्ले करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां प्ले करते वक्त जो जहां का डी नोट है उसको हम थोड़ी देर तक प्ले रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें नोट लगाने सी डी। इस लाइन को एक बार फिर से समझ लीजिए, किस तरह से आपको प्ले करना है। जाने सारा जहां, जहां पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं जहां प्ले करूंगा तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जहां पर मैं थोड़ी देर तक डी नोट को प्ले रखता हूं और उसके बाद सी और डी को प्ले करता हूं। ध्यान से देखिएगा, जाने सारा जहां। इस तरीके से आपको प्ले करना है और इस लाइन में सारे के सारे नोट हायर ऑक्टेव के हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं सारी लाइनें आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से बस जाए। छमा छम नाच आचे से लेकर जाने सारा जहां तक मैं एक बार फिर से आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको प्ले करनी है। अब इसके बाद अगली लाइन है पेथल पुरमा सुन ले छोरिया, स्लो देख लीजिए। नोट्स देख लीजिए, पेथल के लिए जी ए बी, पुरमा के लिए बी सी, सी फिर से हायर ऑक्टेव का, इसके बाद ए, सुनने के लिए जी
ए, ओ के लिए बी और छोरिया के लिए बी, डी, डी हायर ऑक्टेव का, इसके बाद बी ए। इसके बाद अगली लाइन है झूमे नगरिया जब जब ये घूमे, स्लो देख लीजिए, ये भी बिल्कुल वैसी प्ले हुई है, काफी हद तक सेम ही है, फिर भी नोट्स देख लीजिए आप। झूमे के लिए जी बी, नगरिया के लिए बी बी सी बी ए, और जब के लिए जी, और फिर से जब के लिए बी, और ये के लिए बी, और घूमे के लिए बी डी हर ऑक्टेव का, फिर बी ए। बिल्कुल पहले जैसी लाइन है, सेम ही है, बस एक नोट का अंतर है, बाकी वैसी आपको प्ले करनी है। इसके बाद अगली लाइन है कम मरिया रे थारी कम मरिया, स्लो देख लीजिए, नोट देख लीजिए। कमरिया के लिए ए ए ए ए, फोर टाइम है, इसके बाद रे, रे के लिए बी, इसके बाद थारी, थारी के लिए सी बी, सी जो है हायर ऑक्टेव का है, इसके बाद कमरिया, कमरिया के लिए ए बी ए बी ए जी। इस कमरिया को देख लीजिए जो लास्ट में कमरिया प्ले होगा, कैसे प्ले होगा, इस तरीके से आपको प्ले करना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से यही लाइन आती है कमरिया रे थारी कमरिया, मगर ये थोड़ी अलग प्ले होगी, इसके नोटेशन चेंज हो जाएंगे, तो देख लीजिए, पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। कमरिया रे थारी कमरिया, इस तरीके से आपको प्ले करनी है, चलो देख लीजिए। लास्ट का जो कमरिया है वो बिल्कुल सेम है, बाकी थोड़ी अलग है, जो लास्ट में जो कमरिया प्ले हुआ है वो वैसे ही प्ले हुआ है जैसे हमने इससे पहली वाली लाइन में प्ले किया था। नोट्स देख लीजिए, कमरिया के लिए जी ए बी जी, और रे के लिए ए, और थारी के लिए बी बी, और इसके बाद जो कमरिया है उसके लिए वही नोट है जो हमने इससे पहली वाली लाइन में सीखे थे, सेम नोट है ए बी ए बी ए जी, तो ये वाला कमरिया भी वैसे ही प्ले होगा। तो इसके बाद अंतरा शुरू हो जाता है, अंतरे की जो लाइन है वो है फंकी फीलिंग है क्यों होना जज्बाती, स्लो देख लीजिए इसको, नोट्स देख लीजिए। फंकी के लिए डी डी, फीलिंग के लिए डी ई, है के लिए डी, क्यों के लिए सी, होना के लिए डी सी, और जज्बाती के लिए बी ए बी डी। इस पूरी लाइन में सिर्फ बी और ए, ये दोनों नोट सिर्फ मिडिल ऑक्टेव के हैं, बाकी सारे के सारे नोट जो लगे हैं वो हायर ऑक्टेव के लगे हैं। अब इसके बाद लाइन है जा जज्बाती क्यों होना जज्बाती, ये लाइन थोड़ा फास्ट प्ले होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको प्ले करनी है, लाइन थोड़ा फास्ट प्ले करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, फिलहाल हम समझ लेते हैं कि किस तरह से प्ले होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से स्पीड हो जाएगी, फिलहाल हम इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे हमको इसको प्ले करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं जा जज्बाती, पहले सिर्फ इतना समझ लेते हैं, सिर्फ इतना समझ लेते हैं पहले, तो हमें करना कुछ नहीं है, जा के लिए हमें दो बार जा, फिर दो बार जा, फिर जज्बाती, बस इस तरीके से हमें प्ले करनी है और कुछ भी नहीं करना है। नोट्स देख लीजिए, जा के लिए दो बारी, इसके बाद फिर से जाजा के लिए दो बार सी, अब इसके बाद जज्बाती, जज्बाती के लिए हमें क्या करना है बी ए बी
डी, वही जो हमने पिछली लाइन में करा था वैसे ही प्ले करना है। तो करना कुछ नहीं है, जा जज्बाती, मैं आपको स्लो प्ले करके भी दिखाता हूँ। फिर देखिए फास्ट में। अब इसकी आगे की लाइन का जो हिस्सा है वो है क्यों होना जज्बाती, इसको भी देख लीजिए। ये भी थोड़ा फास्ट प्ले करना है, ये भी मुश्किल नहीं है, इसको भी आप समझ लीजिए। मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ क्यों होना जज्बाती। पहले स्लो देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कंटिन्यू नोट प्ले करना है और ये लाइन प्ले हो जाएगी। देखिए, देखा प्ले हो गई, बहुत ईजी था। अब इसी धुन को हम थोड़ा रिदम में ले लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, बस हमारे समझने का फेर होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को मन से देखते हैं, दिल से समझते हैं, तो बहुत ही जल्दी हमें आ जाती है। तो बस आपको ध्यान से देखना है और आपको प्ले करना है। इसके भी नोट्स देख लीजिए, क्यों के लिए ई डी, होना के लिए सी बी, और जज्बाती के लिए ए बी डी। यहाँ पर थोड़ा जज्बाती के जो नोट हैं वो सिंपल हो गए हैं, बस ए बी डी। बस इस तरीके से आपको प्ले करनी है। अब इसके बाद जो लाइन है, छोरे स्वेग वाला छोरियां हैं नखराती, ये लाइन बिल्कुल वैसे ही प्ले होगी जैसे हमने प्ले करी थी फंकी फीलिंग है क्यों होना जज्बाती, बिल्कुल वैसे ही प्ले होगी। बस एक आध नोट का मुश्किल से अंतर होगा, बाकी बिल्कुल लाइन सेम प्ले होती है। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही लाइन प्ले होगी, बस एक आध नोट का कहीं अंतर है। नोट्स देख लीजिए, छोरे के लिए डी डी, इसके बाद स्वैग, स्वैग के लिए डी ई, इसके बाद है वाले, वाले के लिए डी सी, इसके बाद है छोरियां, छोरियां के लिए डी सी बी, इसके बाद हैं के लिए ए, इसके बाद है नखराती, नखराती के लिए ए बी डी। एक चीज़ को आप ध्यान देते रहिएगा, ये जो लाइनें प्ले हो रही हैं इसमें ज़्यादा का नोट जो लग रहे हैं वो हायर ऑक्टेव के लग रहे हैं। आपने देखा होगा सिर्फ बी और ए, सिर्फ ये दोनों नोट ही मिडिल ऑक्टेव के लग रहे हैं, बाकी अधिकतर सारे नोट हायर ऑक्टेव के ही लग रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात को आप। अब इसके बाद लाइन है, नखराती नखरे दिखाती, स्लो देखेंगे इस लाइन को। नोट्स देखिए, नखराती के लिए ए ए बी डी, ए और बी दोनों मिडिल ऑक्टेव के और डी जो है हायर ऑक्टेव का। इसके बाद नखरे, नखरे के लिए ई डी सी, तीनों नोट हायर ऑक्टेव के। इसके बाद दिखाती, दिखाती के लिए ए बी डी, ए बी मिडिल ऑक्टिव और डी हायर ऑक्टिव। इस तरीके से प्ले होगी लाइन। इसके बाद है, हाँ एक बस यही बात बोले रिपीट पे, स्लो देख लीजिए इसको। नोट्स देख लीजिए, हाँ के लिए ई, एक के लिए ई ई, बस के लिए ई और यही के लिए ई जी, इसके बाद है बात, बात के लिए एफ शार्प ई, इसके बाद है बोले, बोले के लिए डी ई, फिर है रिपीट, रिपीट के लिए सी डी सी, इसके बाद है पे, पे के लिए बी। तो किस तरह से प्ले होगी लाइन, हाँ एक बस यही बात बोले रिपीट पे। इस तरीके से। अब इसके बाद लाइन आती है, हम जैसा कोई कहाँ, स्लो देख लीजिए इसको। अब इसके बाद जितनी भी आगे लाइनें आएंगी वो सारी की सारी वही रिपीट हो जाएंगी जो हमने पहले सीखी है। इसके बाद फिर से वही लाइन आ जाएंगी, पैथलपुरमा सुन ले छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे, कमरिया रे थारी कमरिया, कमरिया रे थारी कमरिया। इस सारी की सारी लाइनें रिपीट होती चली जाएंगी, वही लाइन जो हमने पहले सीखी है।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपने फरमाइशी गानों को बहुत ही सरल तरीके से प्ले करना सीखते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी अगली रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।